अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। मरुधरा राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है राम के प्रिय भक्त और ज्ञानियों में अग्रगण्य महाबली हनुमान का सिद्ध मंदिर। धर्म यात्रा की इस कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं अंजनी नंदन बजरंग बली के मंदिर सालासर धाम। सालासर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर की स्थापना मोहनदास महाराज ने विक्रम संवत 1811 में की थी। ऐसी मान्यता है कि मोहनदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए थे और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण की थी। संवत 1811 से ही मंदिर परिसर में अखंड ज्योति जल रही है। मंदिर परिसर में ही मोहनदास जी की समाधि है। ऐसा माना जाता है कि संवत 1815 में अपने शिष्य उदयराम को मंदिर की सेवा सौंपकर मोहनदास जी ने जीवित समाधि ली थी। शिखावाटी की सुजानगढ़ तहसील में स्थित यह मंदिर हनुमान भक्तों की आस्था का केंद्र है और यहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। सालासर मंदिर को 265 साल हो गए और 1811 शनिवार को स्थापना दिवस मोहनदास जी महाराज के भक्ति से प्रसन्न होकर श्री सालासर बालाजी सालासर आए। मोहनदास जी महाराज का यहाँ पे घूमने यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी और हमारे यहाँ सालासर में दो बड़े मेले लगते हैं, शरद पूर्णिमा का और हनुमान जयंती। उसमें हनुमान सेवा समिति श्री बालाजी मंदिर जो प्रशासन है वो किसका ही और ग्रामवासी सब मंदिर का मैनेजमेंट मेले का देखते हैं। सालासर मंदिर की हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगली बार फिर किसी और धार्मिक स्थल पर आपको लेकर चलेंगे। नमस्कार।